पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेला का आयोजन मानबेला के मैदान पर किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के पशुधन मत्स्य राज्य संपत्ति और नगर भूमि राज्य मंत्री जय प्रकाश निषाद मौजूद रहे। मेले का उद्घाटन पशुधन राज्य मंत्री जय प्रकाश निषाद द्वारा फीता काटकर किया। उसके बाद मंत्री ने गौ वंश की पूजा की तथा वहाँ लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। इस अवसर पर कृषि क्षेत्र पर आधारित पुस्तक का विमोचन अतिथियों द्वारा किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री जय प्रकाश निषाद सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि सरकार किसानों के उत्थान उन्नयन एवं उनके सर्वांगीण विकास हेतु निरंतर कार्य कर रही है और उनके हितार्थ अनेक योजनाएं संचालित की है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने के लिए कृषि के साथ साथ पशुपालन भी आवश्यक है, ताकि पशुपालक कृषक अपनी आय बढ़ा सकें। पशुओं से कृषि आय स्वतः बढ़ती है और आय के साथ साथ किसानों का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन धीरे धीरे जो है उसका हूँ, बहुत ज्यादा भीड़ न जुटाएं, आप लोग अपने कराइए। ओम केशवाय नमः, केशवम बुरादो, ओम नारायणाय नमः, नारायणम बुरादो, ओम माधवाय नमः, माधवम बुरादो, हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः, ओम स्वस्तिस्तया विनाशाक्ष पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायकं प्रियान् नित्यं तां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। सीता कटवाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। मेधावी शांति राम, शांति ब्रह्म शांति, सर्वत्वं शांति, शांति एव शांति। गाँव में अग्रतः संतु, गाँव में पृष्ठतः राम। किया है इसमें सबसे पहले पंजीकरण का एक अलग स्टॉल, कृषक बंधु बैठे हुए हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे परामर्श लेते हैं और परामर्श मौसम संबंधी जो बीमारियां होती हैं, पशुओं की अंदरूनी बीमारियां चलिए उसी में जला दी। आप चारों महोदयों से मेरा निवेदन है, कृपया कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी, डॉक्टर डी के शर्मा जी तथा डॉक्टर पी के श्रीवास्तव जी, आप सभी देखिए किसान भाई जाड़े के सीजन में जो सबसे बड़ा मुर्गी पालन का कार्य हो या भैंस पालन का, गाय पालन का या सुकर पालन का कार्य हो, वो सभी ये कार्य कर सकते हैं। और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मनरेगा स्कीम काफी सपोर्ट कर रही है और हमारे देश स्तर पे एक प्रोड्यूसर्स ग्रुप बनाए जा रहे हैं, जिसमें डेयरी के प्रोडक्ट को भी काफी अहम भूमिका उसमें दी जा रही है।
अहिरे पालम चिड़ै, अहिरे पालम चिड़ै, कौने पतिया पे, कौने पतिया पे घोहैलू, अहिरे पालम चिड़ै, अहिरे पालम चिड़ै, कौने खतवा पे लुकैलू, अहिरे पालम चिड़ै, अहिरे पालम चिड़ै। बन बन टूटली टूटली नदी के तीरे, टूटली नदी के तीरे, सांझ के टूटली रात के टूटली, टूटली होत फजीरे, टूटली होत फजीरे, ओ माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से संपन्न हो रहा है। इसे सफल बनाने के लिए हम सभी मिलकर काम करें और यह मेला अपने लक्ष्य में सफल हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। हमारी प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार की मंशा के अनुरूप प्रदेश सरकार ने अधिकारी एवं सरकार जनता के द्वार जाए, जनता को अपनी समस्याओं, अपनी जनता की समस्याओं से अवगत हो एवं विभाग की जो भी योजनाएं हैं वो जनता के द्वार पर गांव-गांव पहुंचें। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार के द्वारा वृहद पशु आरोग्य मेले का आयोजन किए जाने का निर्देश दिया है, जिसके अंतर्गत सर सभी विकास खंडों पर, न्याय पंचायतों पर भी पशु आरोग्य मेलों का आयोजन किया गया है एवं एक वृहद पशु आरोग्य मेले का आयोजन मंडल स्तर पर किए जाने के निर्देश के अंतर्गत ये सर मेले का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत समस्त मंडल के पशुपालकों, जनपद के प्रगतिशील पशुपालकों एवं जो भी पशुपालक यहाँ पे उनको किसी भी तरह की कोई समस्या है उनको अनुरोध किया गया, प्रचार प्रसार किया गया ताकि वो अपने पशुओं को ला करके अपनी समस्याओं से अधिकारियों के साथ अवगत करा सकें, उनकी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर तत्काल निराकरण कराकर उनको जो भी उनकी समस्या थी उसको उचित समाधान कर, उसकी चिकित्सा कर, उसका समाधान निःशुल्क रूप से किया गया है, जिसमें पशुओं की चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं का टीकाकरण, भेड़ एवं बकरियों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम सभी निःशुल्क किया गया है एवं हमारे नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से पधारे हुए वैज्ञानिक गणों ने पशुपालकों को विभिन्न तरह की जो तकनीकी जानकारियां हैं उससे अवगत कराया है। हमारे विभाग के जो वैज्ञानिक पशु चिकित्सा गण हैं उन्होंने भी विभाग से संबंधित योजनाओं के बारे में, पशुओं से संबंधित आने वाली समस्याओं के बारे में अपने स्तर से अवगत कराया है। उसमें मान्यवर जैसा कि सभी जानते हैं और हमारी भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि हमारे पशुपालक, हमारे किसान भाई जो कि गांव में अंतिम स्तर पर रहते हैं, मजदूर किसान, उनकी आमदनी में इजाफा हो और वो आमदनी दुगनी हो जाए तो दिया जाए, उसके उत्थान के लिए जितना अधिक से अधिक कार्य किया जा सकता है वो किया जाए ताकि हमारे पशुपालक भाई अपनी आय को बढ़ा सकें, अपनी समृद्धि को बढ़ा सकें। निश्चित रूप से अगर हमारे पशुपालन का उत्थान होगा तब हमारे किसान भाई अपनी कृषि का भी उत्थान कर सकते हैं। मैं उत्पादन अपने आप बढ़ जाता है जब उनको गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद हमारी कृषि के लिए मिलती है तो कृषि की भी उत्पादकता उसमें जीवाश्म बढ़ जाने से अपने आप बढ़ती है और पशुओं को रखने से हमारे किसान भाइयों की आय तो निश्चित रूप से बढ़ती ही है, उनके स्वास्थ्य एवं अन्य भी समस्याएं उनकी दूर हो जाती हैं, क्योंकि अगर पशुपालन अच्छा होगा, उसके घर पर दुग्ध उत्पादन अच्छा होता है तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उनकी आमदनी में इजाफा होता है।
का आयोजन आपको देखने को मिला। आपसे बताना चाहता हूं कि देश को आजाद हुए तो लगभग 70 वर्ष हो रहे हैं और सर्वाधिक समय देखा जाए तो इस देश में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस से निकले हुए लोगों की या उनके मिली जुली सरकारों का कार्यकाल रहा है। लेकिन देश को आजाद होने के इतने वर्षों के बाद किसानों का कैसे उत्थान हो सकता है, किसानों का विकास कैसे हो सकता है। इस देश में रहने वाला 80% से लेकर के 85% किसान जिसके भरोसे पूरे देश का ही नहीं दुनिया के अनेक देशों में भोजन का काम चलता है, ऐसे अन्नदाता किसानों का सम्मान कैसे बढ़ेगा, उनका आय कैसे बढ़ेगा। आजाद भारत के इतने वर्षों के बाद इस आपके जो 2014 में आपने एक ऐसे साधारण परिवार से पैदा हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को जब अपार बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाने का कार्य किया था, उन्होंने योजनाएं तो लगभग इस देश के लिए सभी वर्गों के लिए 72 प्रकार की योजनाएं दी 5 साल के अंदर। लेकिन उसमें किसानों के उत्थान के लिए जो उन्होंने योजना चलाई पूरे देश के लिए, वह योजना लक्ष्य बना करके उन्होंने चलाया कि 2022 तक इस देश के किसानों का आय हम दोगुना करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से उनकी योजना पूरे देश के लिए चल रही थी, उत्तर प्रदेश में पिछले 2 वर्ष के पहले हमारी यानी माननीय नरेंद्र मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल का 3 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, इसलिए योजनाएं उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन 2017 में आपने उत्तर प्रदेश में भी बहुमत दिया, बहुमत के आधार पर हम सबके पूज्य इसी गोरखपुर गोरक्षपीठाधीश्वर माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जब मुख्यमंत्री पद को संभाला तो उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को हम अक्षर तक जमीन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और एक लक्ष्य तय करने का कार्य किया। गाय हमारी माता है, गाय की हम पूजा करेंगे, पशुओं का संरक्षण करेंगे। लेकिन बंधुओं, ये सही बात है कि अब आज स्लॉटर हाउस बंद होने के कारण, गाय की गोहत्या कम होने के कारण, बंद होने के कारण कुछ समस्याएं किसानों के सामने आई, जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने कहा कि हम जिला जिलों में इतना व्यापक पैमाने पर हम पशु संरक्षण केंद्र बनाएंगे कि जो किसानों की समस्या है उसको भी हम आने वाले समय में समाप्त करेंगे।